हर साल की तरह 2024 की शबे बारात के चलते मालेगांव शहर में जिला पुलिस अधीक्षक आदरणीय देशमाने सर के मार्गदर्शन में यहाँ के सभी 8 पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो भी कब्रस्तान है वहाँ के लिए आवश्यक मनुष्य बल का हमने नियुक्ति किया है। उसमें लोकल पुलिस हो, SRPF का एक कंपनी है, होमगार्ड हमको मिले हैं, जो बाहर से पुलिस बल मिला है उन सबको हमने योग्य रीति से डिप्लॉयमेंट किया है। कब्रस्तान में आने जाने वाले लोगों की व्हीकल कब्रस्तान से दूर रखने के लिए बैरिकेडिंग और ट्रैफिक पुलिस का भी हमने इंतज़ाम रखा है। उसी के चलते बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को भी हमने यहाँ पे बुलाया है, उनके जरिए भी आवश्यक काम का चालू है। सर, CCTV कैमरे कंट्रोल रूम किस तरह से रहेगा और फकीरों को जो है अंदर आने की इजाज़त है या नहीं? हर बार की तरह फकीरों के जो लोग फकीर लोग जो आते हैं उनके लिए भी बंदोबस्त रखा गया है कि उनके लिए ज़्यादा गर्दी ना हो और उसके और कब्रस्तान में आने जाने वाले लोगों पे भी नज़र रखने के लिए कोई अनुचित प्रकार ना हो, इसलिए मनुष्य बल के साथ साथ CCTV का भी इंतज़ाम इस बार भी रखा गया है। हमने उसमें कंट्रोल रूम का भी एक यहाँ पे इंतज़ाम रखा है जिससे हम 24 घंटे हर चप्पे चप्पे पे नज़र रखे हुए हैं। शहरियान के लिए कोई पैगाम? शहरियान के लिए हमारा यही पैगाम है कि पुलिस इंतज़ामिया ने, महापालिका प्रशासन ने और बिजली कंपनी ने अपनी तरफ से पूरे इंतज़ाम रखे हैं। आवाम से भी हमारी गुजारिश है कि वो सभी इंतज़ामियों को तवज्जो दे, उसके बरखिलाफ़ कोई एक्शन न करे और दौर कोई भी सोशल मीडिया पे अफवाहें ना फैलाए और कुछ अगर बात रहती भी है तो पुलिस कंट्रोल रूम मालेगांव और कब्रस्तान बड़ा कब्रस्तान के लग के जो पुलिस कंट्रोल रूम रखी गई है वहाँ पे और अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में तुरंत वो संपर्क करें। सर, कुल जमाती तंजीम ने क्या डिसीजन लिया? कुल जमाती तंजीम ने जो निवेदन दिया है वो हर साल की तरह जो भी उसमें गुनाह दाखिल हुए थे उसके सिलसिले में उन्होंने निवेदन दिया है, वो हम शासन को आगे के लिए भेज रहे हैं। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेटलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट।